वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होप बिल्डिंग गुड गाइस. सो आज का वीडियो होने वाला है बजट कुर्ती हॉल. सो लास्ट वीक लास्ट हॉल मैंने महंगा हॉल कर लिया था, इस टाइम सस्ते हॉल की बारी है. आज मैं आपको दिखाऊंगी अमेजोन की कुर्ती जो कि मैंने सिर्फ अंडर 500 रुपीज की ली है. आज का हॉल स्पेशली ऑफिस वेयर एंड कॉलेज वेयर गर्ल्स के लिए है. बहुत ही कैजुअल कुर्तीज मैं आज आपको दिखाऊंगी जो डेली बेसिस पे आप पहन सकते हैं. रफ एंड टफ कुर्ती जो होती है धो पहनो वाली, इस टाइप की कुर्तीज मैं आज आपको दिखाऊंगी. तो मैंने चूज करा है बहुत ही सिंपल सोवर डेली यूज वाली कुर्ती एंड स्टाइलिस्ट एट द सेम टाइम. अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड कॉमेंट में जरूर से बताना कि कौन सी लुक आज आपको अच्छी लगी, कौन सी कुर्ती अच्छी लगी. नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इन द वीडियो. सो माई फर्स्ट आइटम इज दिस. ये स्काई ब्लू कलर की कुर्ती है एंड कुछ इस तरीके से इसकी कलर है, लाइक ये इसका ओरिजिनल कलर है. एंड यहाँ पे तीन बटन्स दिए हुए हैं एंड ये कोई फॉइल प्रिंट वगैरह कोई भी प्रिंट्स ऊपर से चिपकाया हुआ नहीं है, कपड़े में ही ये डिजाइन बनी हुई है. सो ये बेस्ट पार्ट है, धोने के बाद कुछ भी नहीं होने वाला है इस पे. सो मटेरियल मैं आपको बहुत ही जूम करके दिखा दे रही हूँ. बहुत ही मुझे इसका मटेरियल बहुत ज्यादा पसंद है. कुछ इस तरीके के वाली कॉटन है जिसपे आपको थोड़ी थोड़ी लाइनिंग इस तरीके से दिख रही है. एंड ये है रंगरीति ब्रांड से. तो रंगरीति की जो कुर्तीज होती है वो वैसे भी बहुत अच्छी होती है. स्लीव्स कुछ इस तरीके से, इसकी स्लीव्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बलून काइंड ऑफ स्लीव्स. सो कुछ इस तरीके से ये स्लीव्स की डिजाइन है. यहाँ पे एक बटन बनी हुई है और ये इस तरीके के प्रिंट है. फ्रंट पे यहाँ पे एक और ये एक दो प्लीट्स बनी हुई है. बैक में भी सेम डिजाइन है और सेम यहाँ पे दो प्लीट्स बनी हुई है. जैसे ये फ्रॉक कुर्ती है जो लुकबुक में आपको अच्छे से समझ में आएगी. सो यहाँ पे रेड रेड ये छोटी छोटी प्रिंट्स भी बनी हुई है पूरी कुर्ती पे. कुर्ती के दोनों तरफ पॉकेट दी हुई है. सो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी. पॉकेट वाली कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है. मटेरियल इसका कॉटन है एंड साइज मीडियम है. मटेरियल इसका लाइट सी थ्रू है, बहुत ज्यादा नहीं है. ऐसा नहीं है कि अनकंफर्टेबल लगेगा. अगर आप कैमिसोल नहीं भी वेयर करना चाहते हैं तो भी ये काम चल जाएगा, उतना ज्यादा सी थ्रू नहीं है ये. कलर इसका बहुत ही ज्यादा सुपर फाइन है. इस तरीके की स्काई ब्लू कलर बहुत रेयर मिलती है. सो कलर मुझे बहुत पसंद आई. डिजाइन बहुत ही ऑसम है. इस पे आप बहुत सारे लुक और स्टाइल भी दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छी लगेगी. धो पहनो वाली कुर्ती है, लाइक जितना भी धो पहनो आप आराम से इसका पैसा वसूल कर सकते हैं. तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी. ऑफिस एंड कॉलेज दोनों के लिए कुर्ती परफेक्ट है. ब्रांड से है एंड इसकी कुर्तीज बहुत अच्छी होती है. और अभी मैंने अमेजोन से मंगाया है अंडर 500 रुपीज की जो कि बहुत सस्ती मिली, बहुत अच्छे ऑफर से मिली तो मुझे और ज्यादा अच्छी लग रही है. सो कुछ इस तरीके से इसकी नेकलाइन, ये व्हाइट डिजाइन बनी हुई है, ये कोई प्रिंट्स नहीं है, ये कपड़े पे ही ये डिजाइन है. एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू ब्लू इस तरीके से डिजाइन बनी हुई है. यहाँ पे प्रिंटेड डिजाइन बनी हुई है बट स्लीव्स इसकी पूरी प्लेन है. एंड कुछ इस तरीके से इसकी डिजाइन है जो कि नेकलाइन मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड नीचे को जाते जाते ये इस तरीके से डिजाइन आती है और साइड में भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके के प्रिंट्स है. तो पूरी प्रिंटेड कुर्ती है ये. बैक पे भी सेम काम आपको मिलेगा, बैक भी सेम है पूरा कुछ इस तरीके से. सो मटेरियल इसका रेयॉन है एंड मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, बहुत ऑसम है. मुझे तो रेयॉन मटेरियल बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल लगती है मुझे. एंड इस पे मेरा साइज मीडियम है. साइज लेट के साथ ये कुर्ती है एंड लेंथ इसकी काफी अच्छी, काफी स्टैंडर्ड लेंथ है. मैं दिखा देती हूँ, मटेरियल कोई उतना सी थ्रू नहीं है. ये कुर्ती भी परफेक्ट है ऑफिस के लिए एंड कॉलेज के लिए से जाती है. तो डिजाइन बहुत पसंद आई, कलर मुझे बहुत पसंद आया. अगेन ये कुर्ती है कितना भी धो पहनो एज इट इज रहने वाली है, लाइक आप पैसा पूरी वसूल कर सकते हैं. तो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूंगी. When you want to get off the darkest ground,
The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. नेक्स्ट कुर्ती इज मस्टर्ड येलो कलर की कुर्ती है एंड थ्रेडवर्क है इसकी नेकलाइन पे पूरी कुछ इस तरीके से पिंक एंड ब्लू कलर की बहुत ही फिनिशिंग वाली है थ्रेडवर्क है नेकलाइन पे एंड पूरी कुर्ती ये प्लेन है लाइक स्लीव्स पूरे प्लेन है एंड नीचे तक ये पूरी कुर्ती प्लेन है साइड स्लिट के साथ है मटेरियल इसका कॉटन है एंड बट अमेजोन के पेज पे रेयॉन लिखी हुई है बट ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है कॉटन की क्वालिटी वो बहुत अच्छी नहीं है बहुत बुरी भी नहीं है बट एवरेज क्वालिटी वाली कॉटन है ये अगर क्लोजअप में दिखा देते हूँ कुछ इस तरीके का कॉटन मटेरियल है बहुत ही लाइट मटेरियल है ये ज्यादा सी थ्रू है लाइक इस पे आपको स्पेगेटी एंड कैमिसोल कुछ भी 100% वेयर करना ही पड़ेगा पहनने के बाद बहुत अच्छी लुक दे रही है एंड कॉलेज गर्ल्स के लिए परफेक्ट है अंडर 500 रुपीज के हिसाब से मैं इसे रेकमेंड करूंगी क्योंकि उसके 500 के अंदर आपको पूरी थ्रेडवर्क मिल रही है तो ये प्लस पॉइंट है मटेरियल की मैं बात करूँ तो मटेरियल मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई बट 500 रुपीज के अंदर मैं इसे बुरा भी नहीं बोलूंगी सो सॉफ्ट कॉटन है गर्मियों के लिए परफेक्ट है एंड मैं इसे भी रेकमेंड करूंगी नॉट हाईली रेकमेंड बट रेकमेंड करूंगी अंडर 500 रुपीज के हिसाब से कुर्ती अच्छी है प्रिया ब्रांड से एंड इस पे मेरा साइज मीडियम है तो इस पे आप साइज अप ही लें क्योंकि धोने के बाद ये 100% श्रिंक करने वाली मटेरियल है नेकलाइन इसकी कुछ इस तरीके से है एंड यहाँ पे बटन्स बने हुए हैं जो कि सारे के सारे ओपन होते हैं एंड ये मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है एंड इसकी फिनिशिंग की मैं क्या बात करूँ मतलब इतना फाइन फिनिशिंग है ये कुर्ती की कि मैं ऑलरेडी ये रंगरीति ब्रांड से है एंड इस ब्रांड का मैं ऑलरेडी फैन हो चुकी हूँ बहुत बड़ी वाली तो 500 रुपीज़ में बहुत ही अच्छी अच्छी कुर्तीज़ आपको मिल रही है काफ़ी लॉन्ग कुर्ती है तो शॉर्ट हाइट जिनकी शॉर्ट हाइट है वो भी पहन सकते हैं ऐसा नहीं है कि शॉर्ट हाइट पे भी लॉन्ग कुर्तीज बहुत अच्छी लगती है बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नीचे से थोड़ी सी ऑल्टरिंग भी करा सकते हैं सो इसकी स्लीव्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी आपको एक बटन दी हुई है रेड कलर की एंड मटेरियल इसका कॉटन है बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही ऑसम मटेरियल है मैं कहती हूँ कि इसे आप अभी वीडियो पॉज करो एंड जाकर खरीद लो रिग्रेट नहीं करोगे इतनी स्टाइलिश और रिच लुक वाली कुर्ती है कि बिल्कुल नहीं लगेगी कि ये 500 के अंदर आपने लिया है एंड रंगरीति ब्रांड से है इस पे मेरा साइज अगेन मीडियम है थोड़ी सी मुझे लूज हो रही है ये बैक कुछ इस तरीके से है बैक यहाँ पे एक बटन बनी हुई है और कुछ इस तरीके से इसकी बैक है सो मटेरियल थम्स अप डिजाइन बहुत बढ़िया तो मैं 200% इस कुर्ती को रेकमेंड करूंगी Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Okay, so my last आइटम इज दिस ये रानी पिंक कलर की कुर्ती है एंड इसकी नेकलाइन बहुत ही बढ़िया है बहुत ही खूबसूरत है कुछ इस तरीके से फिनिशिंग बहुत अच्छी है एंड अगेन ये पूरी प्लेन कुर्ती है लाइक नेकलाइन पे डिजाइन है एंड स्लीव्स प्लेन है एंड पूरी नीचे तक ये प्लेन कुर्ती आती है साइड स्लिट के साथ ये कुर्ती है एंड ये है MD ब्रांड का नाम इस पे MD लिखा हुआ है एंड इस पे मेरा साइज मीडियम है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कॉटन है एंड थोड़ा सी थ्रू भी है बहुत बढ़िया वाला कॉटन नहीं है ये सो पहनने पे ये बहुत अच्छी लुक दे रही है अगेन कॉलेज एंड ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है कलर अच्छी लगी तो मैंने इसे पिक कर लिया बट कॉलेज या ऑफिस के लिए आप लाइट कलर भी पिक कर सकते हैं सामने से मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई फ्रेंकली बोलो तो बट अगेन अंडर 500 रुपीज के हिसाब से देखो तो ऑफकोर्स अच्छी है डाउट है कि इसका कलर रानी कलर है एंड कॉटन पे है तो कलर थोड़ी बहुत इसकी निकल सकती है
गाइस, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, एंड कमेंट जरूर से करना कौन सी कुर्ती आज आपको अच्छी लगी, एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।